इसलिए नीतीश कुमार अपना खुद का कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारेंगे, उनको जो भी मंत्रालय, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे कुछ और मंत्रालय हो, जो भी मिल जाएगा। पहले चरण में 5,000, दूसरे चरण में 20,000 से मोदी जी पीछे चल रहे थे, अचानक सारा कुछ करके 1.5 लाख में जिता दिया गया। नीतीश को लाएंगे तो कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बना दो, उधर आप जो है चंद्रबाबू को लाओगे, नायडू साहब को लाओगे तो मुझे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार को दे देते हैं और नहीं देते और नीतीश कुमार चले जाते हैं तो एनडीए को नुकसान नहीं है। मोदी जी का सर झुका है, मोदी जी का जो 56 इंच का जो चौना था, 400 पार का था, ये सब धराशायी हुआ। वो गलतफहमी की खुशियां हैं, जहां बीजेपी की पहली बात है कि बीजेपी ने पहले निरेटी बनाया कि 400 पार 370 जनता के बीच में एक बना दिया, एक उन्होंने जो है झुनझुना दे दिया या उनको जो है हेपोटाइज किया गया कि मैं ही सरकार बनाने वाला हूं, तुम कहीं मत जाना, मुझे वोट देना, पहला बनाया। उसके बाद में बीजेपी ने बड़ी चलाकी से, चतुराई से अपने सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर, सारे सेक्रेटरी, सारे चाटुकार, सारे अंध भक्तों को लगा दिया काम में कि भैया ऐसे ऐसे लगे रहो, देखो हमारी पोजीशन ठीक नहीं है, जनता हमारे खिलाफ है। बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अनर्गनर बोलने लगे, उनकी भाषा बदल गई, उनका जो है हिंदू मुस्लिम का नेरेटिव ले आए कि भाई इनको आपस में लड़ा दें, वो थैंक गॉड्स कि हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े, राम जी का भी उनका हाथ राम जी ने छीन दिया। आज देखिए कि अयोध्या में बीजेपी, जहां भारी बहुमत से जीतना चाहिए था, जहां राम मंदिर बनी थी, वहां पे बीजेपी की हार मोदी की हार है, आरएसएस की हार है। आज जो 400 पार कह रहे थे, आज जो एग्जिट पोल कह रहा था कि 435 वोट आ रहे हैं, 425 सीट आ रहे हैं, ये सब डराने के लिए था, सबको अंदर से एक दिग्भ्रमित करने का था। और नतीजा क्या हुआ, आज बीजेपी 272 भी नहीं ले पाई, 240 मैंने कहा था कि 220 के नीचे रहेगी, लेकिन मैंने कहा था कि 240 तक भी अगर चोरी डकैती करके आ गया तो ये सरकार बना सकती, क्योंकि ये चतुर चलाक लोमड़ी है, ये सबको खरीद फरोख सकते हैं, इनके पास जो अलायंस है, जो घटक है, ये सब आ कर करके 272 तैयार कर लेंगे। 751 पार्टी और 8,563 कैंडिडेट जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, इसमें अगर इनकी 2-4, 8-10 पार्टियों को हटा दें और बाकी का जोड़ें तो आप बीजेपी हार गई, कांग्रेस हार गई, बड़ी पार्टियां सब हार गई, नोटा में लाखों वोट मिला और वोटें मिली, तो इन सब को जोड़िए तो ये हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं वोट बटा, वोट का ध्रुवीकरण हुआ, चूंकि 8,543 कैंडिडेट थे, उनमें कुछ वोटें बटी, नोटा बटा, और उस हालत में हैंग असेंबली बन गया। ना कांग्रेस को 52, 99 हमने कहा था कि 100 के अंदर रहेगा, नहीं मैं 200 जीतूंगा, अरे 200 तब जीतते जब 543 खड़ा करते। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे घटक थे जो बदनाम थे, भ्रष्टाचारी थे, जैसे केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे, शराब में लूटा था, जेल में थे, इनको घटक में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इनको घटक में लिया, 22 सीट में मात्र 3 सीट मिला, और उन्होंने जो है लूज किए, 19 सीट हार गए, तो ऐसे तेजस्वी हार गए, ऐसे बाकी जगह हार गए, तो ये सारा नुकसान हुआ। जो 272 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जा सकती थी वो नहीं पहुंच पाई। अब ये कह रहे लोग खुश करने के लिए कि बच्चा मत रो, थोड़ा सा जो है चूसनी, थोड़ा सा शहद का चूस लो, थोड़ा एक मिठाई खा लो, तो ये जश्न इसलिए मना रहे हैं कि मैंने बीजेपी को 272 नहीं होने दिया, तो ये तो दुआ का मिशन था, एक साल से काम कर रहा था, आपने सरकार कहाँ से आया? तो आप कह रहे हैं कि मेरे को ये नीतीश कुमार आ जाएंगे, उनके पास कितना सीट है? अगर नीतीश कुमार का जो 16 आना था उनको भी 4 सीटें खसक गया तो 12 रह गए, 12 वो रह गए, चंद्रबाबू नायडू का 16 जीते हैं, तो 16 और 12 कितना हुआ, 28 हुआ, 28 अगर 292 में से 28 अगर ये आ जाते हैं इंडिया गठबंधन,
तब भी 272 एनडीए के पास आता, अगर इंडिपेंडेंट आयकार दो इधर से सपक के चला गया तब भी बढ़ जाता है। तो एनडीए सरकार बनाने जा रही है, आप में इतनी क्षमता नहीं है। आप अगर इन दोनों को ले भी लेते हैं तो आपके पास 268 बनता है, फिर भी 5 कम गया। अब आप कहते हैं कि मुझे ओवैसी इंडिपेंडेंट को इधर उधर वाला साथ दे देगा, तो वो सब कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बना दो। अगर आप नीतीश को लाएंगे तो कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बना दो। उधर आप जो है चंद्रबाबू को लाओगे, नायडू साहब को लाओगे तो मुझे प्रधानमंत्री। तो ये प्राइम, यहाँ पे सब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते, प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वहां पे एनडीए में मोदी जी हैं। मैं खिलाफ हूं बीजेपी को हराने के लिए मूवमेंट किया है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मोदी एक ही कैंडिडेट है जो प्रधानमंत्री का, फिर बाकी पोर्टफोलियो की बात है। तो अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार को दे देते हैं और नहीं देते और नीतीश कुमार चले जाते हैं तो एनडीए को नुकसान नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार अपना खुद का कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारेंगे, उनको जो भी मंत्रालय, चाहे गृह मंत्रालय हो चाहे कुछ और मंत्रालय हो, जो भी मिल जाएगा। गृह मंत्रालय का इसलिए अटका हुआ है कि चूंकि अमित शाह उसको छोड़ना नहीं चाहते। अमित शाह तो प्राइम मिनिस्टर बनने की सपना देख रहे हैं। हाँ, मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर छोड़ दें, अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो नीतीश को गृहमंत्री मिल सकता। फिर हमारे राजनाथ जी हैं, गडकरी जी हैं, ऐसे बड़े सारे लीडर हैं उसमें। 17 कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी का हारा है। ये नैतिकता आधार पे मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को जिनको 5-6-7 लाख से जीतना चाहिए था, उनको बीच में वोटिंग रोका गया, लाइट काटी गई, वहां पे जो है सर्वर डाउन किया गया। पहले चरण में 5,000, दूसरे चरण में 20,000 से मोदी जी पीछे चल रहे थे, अचानक सारा कुछ करके 1.5 लाख में जिता दिया गया। तो मोदी जी एक तरह से हार चुके, हारे हुए कैंडिडेट कहा जाता है। जो पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम पे मोदी की गारंटी चली, मोदी के नाम पे वोट पड़ा, वहां पे एक मोदी प्रधानमंत्री 1.5 लाख से भी अगर जीता है तो यह शर्म की बात है। वहां पे उनका प्रतिद्वंदी जिनको कहा कि राहुल गांधी नहीं, वो 3-4.5-4 लाख से और दोनों सीट से जीत गया, बैनार से भी और रायबरेली से भी जीत गया। तो इनकी हार कहते हैं। वहां पे इसलिए खुश है क्योंकि ये लोग भी राजसी राज में रहे हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा से हैं, राहुल गांधी एमपी बन गए, प्रियंका गांधी एक सीट छोड़ेंगे वहां से बन जाएंगे या जो भी है, तो उनको परिवार में सब मंत्री बने हुए हैं, उनकी कोठी रहेगी, उनको सिक्योरिटी रहेगी। इसलिए वो खुशियां मना रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन मैं तो सत्ता में हूं, सत्ता को भोगूंगा। तो ये खुश हैं, खुशफहमी में जी रहे हैं। इंडिया का सरकार होती, जो इंडिया की सरकार नहीं बन रही है तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। सारे चूहे नोच उछल कूद कर रहे थे, जब बिल्ली आई तो चूहे फुर्र हो गए। तो ये हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीतिक में, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। चोरी डकैती हुआ, जनता ने अपने हिसाब से सारे सरकार को मैंडेटरी नहीं दिया, लेकिन जनता के साथ ठगी हुआ है, जनता की एक तरह से हार हुआ है। और जो तानाशाह हैं, जो बदमाश हैं, जो लोग इस पे हावी होकर के जनता को शोषण दोहन करना चाहते हैं, यही लोग आए हैं। अब जनता के साथ अगर भेदभाव ना करें, समाज के लिए, समृद्धि के लिए, देश की, राष्ट्र के लिए काम करें तो बेहतर है, नहीं तो जन क्रांति होगी। और जनता जो दल बदलो और इधर उधर कर रहे हैं, जो इस तरह से सत्ता को बने में रहना चाहते हैं, ऐसी सूरत में आने वाला वक्त अब बहुत कठिन होगा। और मोदी जी का सर झुका है, मोदी जी का जो 56 इंच का जो चौना था, 400 पार का था, ये सब धराशाही हुआ है।